ऐसी है जैसे वाटर लॉगिंग हुई। सर पहले दिन से बच्चों की डिमांड है, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है, कि इसके जो प्रॉपर फैक्ट हैं वो बच्चों के सामने रखे जाएं, पर अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने अपना ना मुंह खोला है ना बच्चों के सामने कोई प्रिंटआउट या कोई लिखित में दिया है कि अंदर कितने बच्चों की जान गई है। इस फैक्ट फाइंडिंग के लिए बच्चे कब से डिमांड कर रहे थे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसमें कि जो प्रॉपर जो भी घटना घटी है उसका पूरा टाइमलाइन और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितने बच्चे अंदर थे, उनका नाम क्या क्या है, किन किन बच्चों की जान गई है और कौन कौन से बच्चे इंजर्ड हैं और कौन कौन के बच्चे कहाँ हैं, इस तरह की बातें कब से बच्चे कर रहे हैं, बट अभी तक किसी ने नहीं दिया गया। सीबीआई की इंक्वायरी आती है तो हमें आश्वासन है कि बच्चों को जो प्रॉपर फैक्ट है वो पता लगेंगे। और इसके साथ ही इतना गैलन ऑफ वाटर कैसे दो मिनट के अंदर पानी भर गया और इतने बच्चों की जान गई, ये भी बहुत ढूंढने की विषय है। इसके लिए अगर सीबीआई काम करेगी तो बच्चों में उत्साह है कि इस बात मान रहे हैं कि सीबीआई हमारे साथ इंसाफ करेगी। इसका हम स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट हमारी बात को संज्ञान में ले रही है और सीबीआई को ये जांच दी गई है, पर हम स्टूडेंट का एक कंसर्न ये है कि जो एक्ट अभी तक मौजूद हैं, जैसे रेंट हो गया, फिर उसके बाद एक दो एक्ट हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था तो ये हादसा पहले से नहीं होता, पहली बात। एक है, हमने कंप्लेन किया था 26 जून को, वो कंप्लेन करने के बाद इनको ऑथराइजेशन दी गई थी, अंदर इनको दिया गया कि आप अंदर लाइब्रेरी चलाइए। इसके बारे में जांच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद हाँ, हमारी जो मेन डिमांड है, हम सीबीआई जांच करेगी वो अच्छी बात है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। जो मेन डिमांड है, जो जितने बच्चे अंदर लाइब्रेरी में थे और बाहर निकले हुए निकाले हुए बच्चों को जो घायल लड़के हैं उनके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई उनके पास बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उसको डिस्क्लोज किया जाए और लोगों को बताया जाए कितने ज़्यादा लोग घायल थे और कितने ज़्यादा सर्वाइवर है और उनके बारे में जो डिटेल्स हैं उसको पब्लिक किया जाए।